हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। व्यूवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आज आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आप चाहें तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोचते हैं और आप उसकी सोच जानना चाहते हैं क्या है आपके लिए, उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, तो ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं एट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं और ये रीडिंग भी सभी जोडियक साइंस के लिए है। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे इंसान की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ जो इंसान खुद को किसी प्रॉब्लम में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर्सन के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव भी है। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है हमारे पास और ये नेगेटिविटी इस पर्सन को कुछ करने से रोक रही है, आपके करीब आने से रोक रही है और ये पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स को अब तक आपको बता नहीं पाए हैं तो यही वो वजह है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कोई समझ नहीं रहा, इस पर्सन की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा। तो इस पर्सन को समझने वालों की कमी है। इस पर्सन के जीवन में प्यार बहुत मिला इस पर्सन को पर इस पर्सन को समझ नहीं पाया कोई, तो ये पर्सन खुद को एक ऐसी ही सिचुएशन में ट्रैप पा रहा है जहाँ पर इस पर्सन को कोई सही से समझ नहीं पा रहा। इस पर्सन को अपने जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये कोई नहीं समझ रहा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से ही प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी इस पर्सन से ट्रू लव नहीं करता, सिर्फ प्यार जता रहे हैं, प्यार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन से कितना प्यार करते हैं। तो ये नेगेटिविटी के चलते ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। आप इस पर्सन को जितना भी प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन आपको गलत समझ रहे हैं और ऐसा नहीं कि इस पर्सन की लाइफ में प्यार है नहीं, इस पर्सन को सब प्यार करते हैं पर कुछ नेगेटिविटी इस पर्सन के दिल दिमाग पर इस कदर हावी है कि ये पर्सन किसी के भी प्यार पर शक कर रहे हैं और इस पर्सन ने आपके प्यार पर भी शक किया हुआ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पर इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को प्यार जताया जा रहा है, दिल से प्यार नहीं किया जा रहा। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये पर्सन एक ऐसे वक्त का ही इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को जब पूरी तरह से यकीन होगा किसी के प्यार पर तो ये पर्सन उस इंसान से बेइंतहा प्यार करेंगे, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन के दिल में इतने इमोशंस हैं कि ये पर्सन अगर आपको जताने लगे ना तो ये पर्सन बहुत रोएंगे, तड़प तड़प कर रोएंगे क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल टाइप का इंसान है और ये इमोशंस आप देख भी सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में। ये पर्सन फैमिली बनाने के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर फैमिली बना चुके हैं, ऐसा भी लग रहा है। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ वांड्स भी है। तो इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स, जो प्यार है इस पर्सन ने अपने दिल में छुपा रखा है। ये पर्सन एक वक्त ऐसा था जब खुलकर प्यार का इजहार करते थे पर इस पर्सन की इस बिहेवियर को किसी ने नहीं समझा, इस पर्सन के प्यार की किसी ने कदर नहीं की। अब जब आप इस पर्सन को अपना प्यार ऑफर कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके प्यार को भी शक की नज़र से देख रहा है। तो ये पर्सन एक ऐसा ही व्यक्ति है जिस इंसान को जब जो चाहिए था इस पर्सन को वो मिला नहीं और अब जब मिल रहा है तो इस पर्सन को बिलीव नहीं हो रहा, तो ये पर्सन विश्वास नहीं कर पा रहा। अब इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने दिल में छुपा लिया है। अब ये पर्सन उन फीलिंग्स का इजहार भी आपसे नहीं कर पा रहे हैं।
तो यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन पर डाउट्स हो रहे हैं और इस पर्सन को भी आप पर डाउट्स हो रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं और इसीलिए साथ में हैं। तो ये पर्सन ये नहीं बिलीव कर पा रहे हैं कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं और इसी वजह से आप इस पर्सन पर भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के मन में फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, प्यार नज़र आ रहा है, पर एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि हाँ ये ट्रू लव है। जबकि यहाँ पर ट्रू लव और ट्रू फीलिंग्स आप दोनों की मन में नज़र आ रही हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पर मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं आप दोनों के दरमियान जो आप दोनों को एक दूसरे का होने से रोक रही हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो बहुत कुछ इस पर्सन को इस रिश्ते में करना पड़ेगा ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। इसलिए ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दूरी बना रहे हैं, आपसे थोड़े से खिजे खिजे से रहने लगे हैं, दूर दूर रहने लगे हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। और इस पर्सन पर थोड़ा सा बर्डन भी नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन किसी प्रॉब्लम में भी स्टक है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और इन सारे ही बातों का स्ट्रेस इस पर्सन पर नज़र आ रहा है। क्लियर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब ये पर्सन शादी के बारे में सोचते हैं या फिर जो लोग शादी बना चुके हैं वो लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, इस पर्सन को और भी बहुत कुछ इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए करना है। बहुत कुछ ऐसा करना है जो आप दोनों को हमेशा एक साथ रख सके। तो बहुत कुछ ऐसा ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।